अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी बहुत ही यमी सा मज़ेदार सा डेजर्ट रेसिपी है जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स में बनाएंगे और बहुत ही झटपट बन जाता है। अगर आपका कुछ दिल कर रहा हो मीठा खाने का तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही झटपट बन जाती है। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी में हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे जो कि 190 ग्राम कंडेंस मिल्क है हमारे पास, और इसके बाद एवोपरेट मिल्क जो है 175 ग्राम हम इसमें यूज़ करेंगे। एक छोटा टिन होता है 175 ग्राम का, जो है एवोपरेट मिल्क होता है। इसमें कोटिंग यूज़ करेंगे वनीला कोटिंग है 1 पैकेट, एक पैकेट जो है वनीला कोटिंग का इस्तेमाल होगा, और व्हिपिंग क्रीम जो है 175 ग्राम व्हिपिंग क्रीम हम इसमें यूज़ करेंगे। और बिस्किट जो हैं मेरे पास जो है उल्कर्स के बिस्किट्स हैं, कोई भी प्लेन बिस्किट्स हों इस रेसिपी में आप यूज़ कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना हमने क्या करना है, बिस्किट को दूध में जो है ना डिप करके इसकी बेस बनानी है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मज़ेदार सी वीडियोस आपको मिलती जाएं। तो इस तरह जो ना हमने दूध में बिस्किट को डिप करके बेस बना ली है और उसको साइड पे कर देंगे। अब एक बाउल में जो है हम ऐड करेंगे एवोपरेट मिल्क ऐड करेंगे, उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की जो क्वांटिटी मैंने यूज़ की है इसमें 190 ग्राम यूज़ की है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना। तो कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करना है व्हिपिंग क्रीम ऐड करना है, उसके बाद कोटिंग ऐड करेंगे वनीला कोटिंग ऐड करनी है, और अच्छी तरह बीटर की मदद से जो है ना हमने इसको बीट करना है। तो इतना बीट करना है कि एक थिक सा हो जाए ये, ठीक है। अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप किसी जग में भी जो है ना इसको अच्छी तरह कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं, ताकि उसमें भी जो है ना वो थिकनेस आपकी मिल जाती है। तो कोटिंग ऐड की है, बीटर जो है 5 मिनट हम जो है ना इसको बीट करेंगे, और अच्छा सा बीट करना है। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, सिंपल है, आप लोग इस रेसिपी को जो है ना ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। और बीट करने के बाद जो है ना हम इस पर बिस्किट की लेयर्स लगाएंगे। देखें थिक होना स्टार्ट हो गई है, जितना अच्छा बीट होगा उतनी ये थिक होगी। तो इसके बाद जो है ना अब हमने क्या करना है, हमारी बीट हो चुकी है, हमने बिस्किट की जो बेस बनाई थी अब थोड़ा सा जो है ना हम इसके ऊपर ये मिक्सर जो है ऐड कर देंगे इस तरह। इस तरह ऐड करने के बाद फिर एक और लेयर जो है ना हमने बिस्किट की लगानी है। और बिस्किट जो है प्लेन बिस्किट कोई भी यूज़ करें, आपके टेस्ट जो आपको पसंद है, मैरी बिस्किट भी हैं, उल्कर्स बिस्किट भी, काफ़ी सारे बिस्किट्स हैं, कोई भी बिस्किट यूज़ कर लें इसमें। तो इस तरह बेस बनाने के बाद जो है दोबारा बिस्किट को दूध में डिप करें और उसकी जो है सेकेंड लेयर इस तरह बना लें आप। और बेस बनाने के बाद जो है ना इसको हमने क्या करना है, दोबारा इसके ऊपर जो है मिक्सर ऐड कर देंगे। तो बेस बनाने के बाद जो है दोबारा इसकी लेयरिंग करेंगे, सेकंड जो लेयर है इसके ऊपर मिक्सर ऐड कर देंगे, और इसको आपने क्या करना है ओवरनाइट जो है ना फ्रिज में रखें, ठीक है। ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद जो है ना इसको आप सर्व करें, इसकी साइडों में जो है ना बिस्किट का चूरा इस तरह आप ऐड कर दें, और उसके बाद थोड़ी सी चॉकलेट इसके ऊपर चॉकलेट जो है मेल्टेड डाल दें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। तो इस रेसिपी को जो ना आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है, इसको अब मैं रखूँगा ओवरनाइट फ्रिज में, और ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, पसंद आए लाइक ज़रूर करें वीडियो को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।